Welcome to all of you. This is Mr. Uday. Now I am here to teach you the first chapter of 7th class. The first chapter name is 3 questions. This is the chapter of the book Honeycomb. Let's start. चलिए हम शुरू करते हैं. इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग जानेंगे. इस क्वेश्चन चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस. थ्री क्वेश्चंस का मतलब तीन प्रश्न. क्या हुआ? तीन प्रश्न. थ्री क्वेश्चन का मतलब हुआ तीन प्रश्न. तीन प्रश्न जो है टाइटल है, शीर्षक है. तीन प्रश्न कैसा है? ये राजा के द्वारा पूछा गया तीन प्रश्न है जिसका वो उत्तर करना चाहता है. वो ऐसा सोचता है राजा. एक राजा है जो ऐसा सोचता है कि तीन क्वेश्चन का यदि हमको आंसर मिल जाता है तो हम जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, यानी कि जीवन में हमेशा हम सफल ही होते रहेंगे. वो तीन क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है. एक बार प्रश्न बता दूँ कि आपका पेपर का नाम है थ्री क्वेश्चन और ये लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा. ठीक है? और वो राजा के द्वारा तीन क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें हम यही देखेंगे. बिफोर यू रीड, आप लोग बुक में देखिएगा लिखा हुआ पहले बिफोर यू रीड में कि अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम. व्हाट आर थ्री क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? उसमें दिया गया है कि राजा के पास तीन प्रश्न है. वो तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा है और वो तीन प्रश्न क्या है, क्या वो जो चाहता है उसको मिलता है. तो तीन क्वेश्चन जो है वो यह है राजा का कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए. क्या चीज कहा है कि सही समय, राइट टाइम. दूसरा भी कि व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू. कौन सी व्यक्ति को बात को मानना चाहिए या कौन व्यक्ति उसके लिए अच्छा है जो उसकी बातों को माने. यहाँ टाइम को, यहाँ पीपल को, यानी व्यक्ति को. तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम. थिंग मतलब टास्क. उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क. थिंग मतलब टास्क. टास्क मतलब काम. सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस क्या है. तो आइए हम इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री क्वेश्चंस. द थॉट, थॉट मतलब विचार. उसके राजा के मन में एक विचार आया है. एक राजा है, सर्टेन किंग मतलब कोई एक राजा है. उसके मन में एक विचार आया है. विचार यह आया है यदि तीन चीज जान जाएगा, तीन चीज जान जाएगा तो वो कभी जीवन में सफल नहीं होगा. वो तीन चीज क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय. समय को ध्यान दें, समय क्या है. दूसरा है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस व्यक्ति का, पर्सन को यहाँ पर इंफेसिस कर रहा है, किस व्यक्ति को उसे बात मानना चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, उसके लिए टू डू, करने के लिए कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण होगा. ये तीन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया गया है. द किंग फॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु कुड आंसर थ्री क्वेश्चंस. राजा ने अपने मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है जो संवाद भेजता है, दूत जो होते हैं उसको मैसेंजर बोलते हैं. ठीक है? संवाद, संवाद को देने वालों को हम मैसेंजर, मैसेज देने वालों को. राजदूत कहिए, राजा के पास जो दूत होते हैं मैसेंजर है, उसको पर्सन मैसेज. तो राजा ने अपने
मैसेंजर मैसेज देने वाले व्यक्तियों के द्वारा पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में जब कहवा दे रहा है, मैसेज भिजवा दे रहा है कि जो व्यक्ति हमारे 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसे मैं बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा, एलार्ज सम ऑफ मनी उसको दूंगा। मेनी वॉइस रैन केम टू द किंग बट ऑल आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली। इस बात को जान करके बहुत लोग आए लेकिन स्पॉन्सर देने के, लेकिन सभी के आंसर अलग अलग रहे। In reply to the first question, some say the king must prepare a timetable and then follow strictly। उस जो व्यक्ति आए थे उसका आंसर देने के लिए, वो व्यक्ति अपना अलग अलग जो है आंसर दिए। किसी ने यह कहा उसके जवाब में, पहला क्वेश्चन के जवाब में, कि राजा को एक टाइम टेबल रूटीन बना लेना चाहिए और उस रूटीन को स्ट्रिक्टली मतलब बड़ी कड़ाई से उसको फॉलो करना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम। अदर से दैट इट वॉज पॉसिबल टू डू इट वॉज पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो अब तक कर रहे हैं कि इस तरह से वो टीम बनाकर वो काम करेंगे राजा, तब जो है उनके लिए बढ़िया होगा, कोई भी काम सही से होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर कोई भी काम वो अगर हमको फ्यूचर में करना है तो उसको डिसाइड करना मुश्किल होगा, इसलिए ये ठीक नहीं। सबसे बढ़िया है किसी भी काम को करना है और आज से डायरेक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने के लिए पहले से डिसाइड कर लीजिए कि ये दिन हाई काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये ठीक नहीं है, संभव नहीं है कि उस दिन उस टाइम को काम होगा। द किंग शुड नोटिस आर दैट ही वॉज गोइंग ऑन वाइट फिनिश मेजर एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट टाइम्स। राजा को चाहिए कि जो भी उसके साथ चल रहा है उसको देखे और जो भी पुलिस प्लेजर है, पुलिस प्लेजर का मतलब होता है कि ऐसी मस्ती, ऐसी आनंद, ऐसी खुशी जिससे कोई फायदा नहीं हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब क्या होता है, उसको त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ठीक है। भाई मतलब दूर भी रहना, ए बी ओ आई ए, भाई मतलब दूर रहना। तो उसे चीजों से दूर रहना चाहिए उनको। आगे कह रहा है कि एक अदर सी द किंग नीडेड अ काउंसल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। कि उस राजा को किसी ऐसे व्यक्ति को रख लेना चाहिए जो उनको सलाह दे, जो काउंसिल करे, सलाह दे, ठीक है। काउंसिल मतलब सलाह होता है। हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, किसी भी काम को किस समय शुरू करे उसमें उसको मदद मिलेगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए खुद डिसाइड करना सही नहीं हो, गलती कर सकता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट द किंग देयरफॉर वुड हैव टू डू द मैजिक। और इस तरह का काम केवल मैजिशियन ही कर सकता है, इस तरह का काम केवल मैजिशियन ही कर सकता है, ठीक ना। इसीलिए राजा को मैजिशियन मतलब जादूगर के पास जाना चाहिए। जादूगर आपको सही समय से बताएगा कि आपका कौन सा काम सही समय पर होना चाहिए, भविष्य में भी कोई काम करना तो सही समय पर कैसे होगा। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर में यह मिला हुआ है कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। दूसरा मिला यह आंसर मिला हुआ है कि राजा को किसी एक काउंसलर को रख करके, किसी व्यक्ति को रख करके सलाह लेना चाहिए। तीसरा मिला हुआ है कि इसे राजा को
इतिहास में फ्यूचर में कोई काम करना हो तो उसके लिए मैजिशियन करके जादूगर करके उसको सही समय से सही काम को करने के लिए वो बताएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तीन दिन में आएगा, तीनों अलग अलग। अब दूसरा क्वेश्चन था कि उसे किस व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए या किस व्यक्ति को बातों को मानना चाहिए, उसके लिए व्यक्ति कौन से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यह था, दूसरा क्वेश्चन के आंसर में क्या मिल रहा है। In the answer to the second question, some say that the people must necessary to the king or his counselor. Others say priest, and few others say choose the doctors, and if others say soldiers were not soldiers were the most necessary. यानी कि दूसरा क्वेश्चन कि उसके लिए कौन व्यक्ति सही होगा, उसके लिए जवाब मिल रहा है कि उसे काउंसलर को रखना चाहिए, सलाहकार को, उसके लिए कौन व्यक्ति, दूसरा क्वेश्चन में था उसके लिए कौन व्यक्ति सही होगा, तो सलाहकार सही होगा। किसी ने कहा सलाहकार, किसी ने कहा प्रिस्ट यानी कि पुजारी, किसी ने कहा कि डॉक्टर, किसी ने कहा आपका जो सोल्जर है वही सोल्जर को रखना, तीन लोगों की बात मानने के लिए कहा गया है। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर में क्या मिल रहा है कि कौन सा काम उसको करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, सम से साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड एट अदर रिलीजियस क्वेश्चन। किसी ने कहा कि आपको वैज्ञानिक कार्य करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं आपको आपको लड़ाई करना चाहिए, फाइटिंग करना चाहिए, और किसी का भी नहीं लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे, आपको वार्षिक पूजा पाठ का काम करना चाहिए। इस तरह से तीनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों से अलग अलग मिला हुआ है। कौन समय रहना चाहिए उसका आंसर अलग मिला, तो कौन सा व्यक्ति होना चाहिए उसके लिए अच्छा उसका अलग आंसर मिला, और कौन सा काम उसको होना चाहिए वो अलग मिला। As the answer to the answer to each questions was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely famous for his wisdom. किसी के भी आंसर से राजा बिल्कुल खुश नहीं थे, सबका आंसर विभिन्न था, वो संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए किसी को रिवार्ड नहीं दिए, इनाम नहीं दिए। इसके बदले उन्होंने यह तय किया कि वह एक सन्यासी जो कि बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो उसकी बुद्धि के लिए, अपनी विजडम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति के पास वो जाना चाहा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वह हर्मिट यानी कि सन्यासी, HERMIT। देखिए तीन व्यक्ति इसमें मुख्य हैं, किंग, हर्मिट और बियर्ड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति, तीन व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, जो कि यह एक जंगल में रह रहा है। कई समय से आ रहा है, he saw no one but simple people, and so the king put an ordinary clothes before he reached the hermit house. The king left his horse with his bodyguard and went alone. हर्मिट जो है वो जंगल में रहता था और वह केवल साधारण व्यक्तियों से मिलता था, केवल सिंपल व्यक्तियों से मिलता था।
जो ऑर्डिनरी होते थे व्यक्ति से मिलता था, इसलिए राजा ने अपना कपड़ा उतार दिया, राजा का ड्रेस उतार दिया और साधारण ऑर्डिनरी ड्रेस कपड़ा पहन लिया। फिर उसके बाद वो राजा जो है हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया और अकेले चल दिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हॉट, ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जैसे ही राजा उस हर्मिट के पास पहुंचा, उस झोपड़ी के पास पहुंचा, देखा कि हर्मिट जो सन्यासी था खेत की खुदाई कर रहा है, खेत में खुदाई चला रहा था, तो राजा को वो स्वागत किया, उसने हर्मिट ने सन्यासी ने उस राजा को स्वागत किया, परंतु वो खुदाई का काम खेत में खुदाई चलाने का काम करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रिटेड एबिली, वह व्यक्ति जो हर्मिट था सन्यासी था वो बहुत बुढ़ा हो चुका था, वह कमजोर था और काम करने की वजह से वह लंबी लंबी सांस ले रहा था, भारी भारी सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस मैन वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग्स एट द टाइम एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस राजा ने उस हर्मिट के पास जाकर कहा कि मैं आपके, हर्मिट से कह रहे कि मैं आपके पास आया हूँ तीन प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। जो तीन प्रश्न है वह यह है कि हमें कोई भी काम करने के लिए सही समय का क्या होना चाहिए, और कि हाउ कैन लर्न टू डू राइट थिंग एट द टाइम, किसी भी काम को करने के लिए हमें सही समय क्या होना चाहिए, और हु आर द पीपल, हमारे लिए कौन सा बढ़िया व्यक्ति है जिसकी हम बातों को सुनना चाहिए, और कह रहा है कि कौन सा बिजनेस कौन सा काम हमारे लिए पड़े, यानी वही तीन क्वेश्चन को वो फिर से रिपीट करके बता कि मैं तीन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आया हूँ। अब उसके बाद क्या हो रहा है, द हर्मिट लिसेंड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक योर स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। हर्मिट ने इस बातों को सुन करके कुछ जवाब नहीं दिया, राजा को एक शब्द नहीं बोला और वो खुदाई करता रहा। तब राजा ने कहा कि काम करिए, आप थक चुके हैं, आप स्पेड जो है कुदाल जो है मुझे दे दीजिए, हम पत्थर कुदाल चलाते हैं आपके जगह पर। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उस हर्मिट से सन्यासी ने उस राजा को अपना कुदाल दे दिया और बोला थैंक्स थैंक्स बोल करके वो ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now do you rest, let me walk." जब राजा दो कुदाल मारा के और दो छेद चलाया, उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो बोला कि सर, हर्मिट से बोला, सन्यासी से बोला कि मैं आपके यहाँ क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आया हूँ। तब उस हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़ा हो गया और बोला कि दीजिए, हाथ बढ़ाकर ऐसे बोला, स्ट्रेच मतलब होता है हाथ बढ़ाकर बोला कि दीजिए कुदाल मुझे, आप थक चुके हैं मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उदार को नहीं दिया और फिर से उदार चलाने लगा। बट द किंग वन आवर पास देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर द आंसर टू माय क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी आई विल रिटर्न होम। एक घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी घंटा बीता, अब जो है सूर्य जो है उस पेड़ के नीचे आ गया, यानी शाम का समय होने लगा। अब जो है लास्ट में उस राजा ने उदार पर से जमीन में स्टक कर
सन्यासी के पास गया और बोला, वाइज मैन आप मेरे आंसर का जवाब दे दीजिए, जवाब नहीं देना है तो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तब तक सन्यासी ने अचानक बोला, देखो ये लोग कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। तो राजा और सन्यासी के बाद एक और व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, वो व्यक्ति कौन है हम दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था आपका, दूसरा पार्ट आप लोगों का शुरू होगा।